दोस्तों, सुबह उठने के बाद तुरंत का समय आपकी जिंदगी का वो समय है जिस समय में अगर आप केवल 5 मिनट निकालकर वो प्रैक्टिस करें जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो ना सिर्फ आपकी सोच और भविष्य बदल जाएगा बल्कि इस तकनीक के निरंतर अभ्यास से हो सकता है कि आप एक दिन इस दुनिया में कोई बड़ा परिवर्तन ला सकें। ऐसी करिश्माई ताकत है इस तकनीक में और इसके अभ्यास के लिए चाहिए सुबह के केवल 5 मिनट। कुछ डॉक्टर्स और वैज्ञानिक शोधों में भी इस तकनीक को काफी कारगर बताते हैं। सदियों से पंचतंत्र के युग से इस तकनीक को घरों में औरतें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव के लिए इसे हर रोज इस्तेमाल करती थीं और शायद इसीलिए हमारा इतिहास बड़े बड़े विद्वानों और योद्धाओं से भरा हुआ है। और इस तकनीक में जो चीजें यूज होती हैं वो है केवल शब्द। जी हाँ, केवल शब्द जो हम सोचते हैं, बोलते हैं या सुनते हैं। इन शब्दों में इतनी ताकत है कि इन शब्दों का सकारात्मक इस्तेमाल किसी निकम्मे को कामयाब, डरपोक को बहादुर, गरीब को अमीर, नालायक को लायक और एक अनाड़ी को खिलाड़ी भी बना सकता है, क्योंकि ये शब्द आपके अंदर गहरे अर्थों के साथ अनंत भावनाएं समेटे रहते हैं। फिर चाहे ये शब्द सोचे जाएं, कहे जाएं या केवल सुने जाएं, ये शब्द आप पर और आपके आसपास अपनी ताकत का पूरा प्रभाव डालने की भरपूर क्षमता रखते हैं। यहां तक कि आज विज्ञान भी ये मानता है कि इस दुनिया में आने से पहले मां के पेट से ही एक बच्चे पर 16वें हफ्ते से जो चीज अपना प्रभाव डालना शुरू करती है, जिसे बच्चा सबसे पहले सीखना या समझना शुरू कर देता है, तो वो है शब्द। शब्दों की ताकत को हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तभी तो गर्भवती स्त्री को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ने, सुनने और देखने की सलाह दी जाती है। सोचिए, कहें या सुने शब्द आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकते हैं। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं इस संसार में जब केवल शब्दों की ताकत ने दुनिया बदली है। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें स्कूल से एक लेटर देकर घर भेज दिया गया और जिसमें स्कूल ने उनकी माँ को यह लिखा कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और इसे आप घर पर ही पढ़ाइए, हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन थॉमस के ये पूछने पर इस लेटर में क्या लिखा है, उनकी मां ने उन शब्दों को कुछ इस तरह बदलकर सुनाया कि तुम्हारा बेटा बहुत ही लायक है और हमारे स्कूल के टीचर इतने काबिल नहीं हैं कि वो आपके बेटे को पढ़ा सकें, इसीलिए आप अपने बेटे को घर पर ही पढ़ाइए। और शब्दों के इस छोटे से फेरबदल ने उस 9 वर्ष के थॉमस का मनोबल टूटने नहीं दिया और अपनी माँ के शब्दों पर विश्वास करते हुए थॉमस एल्वा एडिसन आगे चलकर दुनिया के महान वैज्ञानिक बने। शब्दों की शक्ति से सोच समझ, समस्याएं और सरकारें बदल जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कर आप कैसे अपने जीवन की दिशा और दशा बदलकर अपने सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप दिन के किसी भी समय इस तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इस शब्द शक्ति का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है सुबह के समय, जब दिल और दिमाग दोनों एकदम रिलैक्स होते हैं बिना किसी टेंशन के। यही वो समय होता है जब आपका दिमाग बिल्कुल तैयार होता है कुछ भी नया अपनाने के लिए। इस अभ्यास में आपको हर रोज केवल 5 मिनट अपने सपनों को एक खास तरीके से शब्दों में समेटते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि दुनिया भर के डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने कई प्रयोगों में इसकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, करना यह है कि आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी खुशियां आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उन सभी खुशियों को, उन सभी इच्छाओं को एक पेपर पर लिख लीजिए और उन्हें रिकॉर्ड करके हर सुबह केवल 5 मिनट पूरे यकीन और विश्वास के साथ अपनी सांसों पर ध्यान देते हुए आंखें बंद करके अपनी उन इच्छाओं को दोहराइए, जिन्हें इंग्लिश में अप परमिशंस कहा जाता है। परमिशन यानी कि किसी बात को ऐसे कहना जैसे कि वो सच हो। तो जो भी आप दोहरा रहे हैं, आप उस पर बिल्कुल भी शंका मत कीजिए। और ये परमिशन की लाइंस आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, एकदम ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ। मैं वो हर काम कर सकता हूं जो नामुमकिन है। मैं शुक्रगुजार हूं मुझे मिली इस जिंदगी के लिए। मैं किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकता हूं। हार कभी मेरे रास्ते में नहीं आती। मेरे भीतर अनंत संभावनाओं का समंदर है। दोस्तों, यही शब्द हैं जो आपको अपने सपनों और इच्छाओं के अनुसार तैयार करने हैं। उसे रिकॉर्ड कीजिए और हर सुबह पूरी निष्ठा के साथ कम से कम 21 दिनों तक इस शब्द का अभ्यास कीजिए।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 21 दिनों में चमत्कार हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगा, नहीं। लेकिन हां, बहुत से लोग खुद में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जरूर महसूस करेंगे। इस प्रक्रिया को पूरी शिद्दत के साथ अपनाना होगा। जैसे कि कहा जाता है ना कि जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमारे पास लाने की कोशिश करती है। इन सूक्तियों को अपने दिमाग में पूरी दृढ़ता के साथ चित्रित करें। महसूस करें कि आप जो भी कह रहे हैं वो सच है, और संभव हो तो इन शब्दों को सुनते हुए अपने मुंह से भी बोलें, ताकि ये शब्द और भी शक्तिशाली हो जाएं और जल्दी आपके सब कॉन्शियस माइंड में समा जाएं। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना है कि आप जो कह रहे हैं वही आप हैं। शुरुआत में आपका दिमाग शायद आपका साथ नहीं देगा और आपको बेवकूफ भी कह सकता है, लेकिन यदि आप पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इन शब्दों को महसूस करते हुए दोहराते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी आपकी इस कोशिश को स्वीकार कर लेगा, और यहीं से आपके सपनों की यात्रा शुरू होगी, जिससे कि आप में एक बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि एक बार सबकॉन्शियस माइंड को यह यकीन आ गया तो बस, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे केमिकल छोड़ने लगेगा जिससे कि आपका व्यक्तित्व वैसे ही बने जिसका यकीन आपने सबकॉन्शियस माइंड को दिलाया है। इस इंफॉर्मेशन के जरिए आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग को चेंज करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर इंसान के जीवन में परिवार, परिवेश और परिस्थितियां सब कुछ अलग होती हैं, और हमारा दिमाग इन्हीं के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है और अपने लिए कुछ ऐसी धारणाएं बना लेता है, अपने आसपास कुछ ऐसा घेरा बना लेता है जिसके कारण वो अपनी अनंत संभावनाओं को जीवन में कभी तलाशता ही नहीं है, और बस कुएं के एक मेंढक की तरह जीता रहता है। इंफॉर्मेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड आपकी कही बातों पर यकीन कर उन धारणाओं को बदलने लगता है, और आप अपनी अनंत संभावनाओं को तलाश सकते हैं। और वैसे ट्राई करने में नुकसान ही क्या है, क्योंकि आपके हर रोज इस अभ्यास को ट्राई करने में लगेंगे केवल और केवल 5 मिनट। इस वीडियो के लिए यूनिवर्स को आभार करें और नीचे कॉमेंट में लिखें, आई लव यूनिवर्स। आप जो भी अपने जीवन में बनना चाहते हैं उसे भी कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।